के साथ बड़ी खबर ये कि आयकर विभाग की दो ज्वेलर्स ग्रुप पर लगातार चौथे दिन भी कार्रवाई जारी है। जेकेजे और जोशी ग्रुप पर आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। जेकेजे ग्रुप के पास से 250 करोड़ का अघोषित कारोबार। चार दिनों में आयकर विभाग को 3,25,00,000 की नकदी मिली है। 8 लॉकर में 45 करोड़ के सोने चांदी का हिसाब नहीं मिला है। 100 किलो से अधिक सोने के स्टॉक का जांच में हिसाब नहीं है। हार्ड डिस्क में जोशी ग्रुप का बेहिसाब नकद लेन देन का डेटा बरामद किया गया है। जोशी ग्रुप के पास 10 करोड़ के अघोषित कारोबार के सबूत भी मिले हैं। और ये मौके की दो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। सोने चांदी का कोई हिसाब नहीं मिला है। चौथे दिन भी कार्रवाई लगातार जेकेजे और जोशी ग्रुप पर जारी है आयकर विभाग की। तो जेकेजे जो ग्रुप है उसके पास से 250 करोड़ का अघोषित कारोबार की जानकारी सामने आई है कि अघोषित कारोबार चल रहा है इसका 250 करोड़ का। चार दिन में आयकर विभाग को 3,25,00,000 की नकदी मिल चुकी है। 8 लॉकर में 45 करोड़ के सोने चांदी का हिसाब नहीं मिला है कि ये कहां से आया। 100 किलो से अधिक सोने के स्टॉक का जांच में हिसाब नहीं मिला है। तो जो ज्वेलरी है प्रदेश के जेकेजे ज्वेलर कारोबारी समूह पर आयकर विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जहां पर फिलहाल आयकर विभाग की कार्रवाई जो है वो जारी है। राजधानी जयपुर के इस कह सकते हैं जेकेजे ज्वेलर प्रदेश के और देश भर के नामी ग्रामी ज्वेलर्स में शुमार हैं। ऐसे में एक दर्जन से ज़्यादा ठिकानों पर राज्य और राज्य से बाहर के ठिकानों पर जो है आयकर विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है। अल सुबह से ये कार्रवाई जो है वो जारी है। ऐसे में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। आयकर विभाग की टीम आय और व्यय की जानकारी से जुड़े जो दस्तावेज हैं उन्हें खंगाल रही है। इसी के साथ साथ हवाला कारोबार से जुड़े होने की भी सूचना बताई जा रही है। मुबारक खान, NDTV जयपुर। तो सहयोगी की आपने यहाँ पर रिपोर्ट देखी है और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि चौथे दिन भी लगातार आयकर विभाग की कार्रवाई इस मामले में जारी है, क्योंकि चौथा दिन है आज कार्रवाई का। क्या डिटेल्स मिली है बताएंगे इस पर सहयोगी सोमू आनंद इस वक्त मौजूद है मेरे साथ। सोमू, क्या ताजा अपडेट इस मामले को लेकर आपके पास कार्रवाई का चौथा दिन? जी बिल्कुल, देखिए लगातार कार्रवाई जारी है और कार्रवाई न सिर्फ जयपुर बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो जेकेजे ज्वेलर्स से जुड़े हुए ठिकाने हैं वहां पर हैं। तो इसमें अभी तक 250 करोड़ से अधिक की अघोषित संपत्ति का जो है वो ब्यौरा हाथ लगा है। हम कह सकते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये एक बहुत बड़ी सफलता के रूप में से देखा जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो 100 किलो से अधिक जो सोने का स्टॉक है जिसका कोई हिसाब नहीं है इसकी जांच जो है अब की जा रही है। तो ये जो दो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, 250 करोड़ से अधिक की अघोषित संपत्ति का मामला और उसके साथ साथ इसमें 100 किलो से अधिक सोना जिसका कि कोई हिसाब किताब नहीं है, कहां से आया, कब आया, कैसे आया, तो इसको लेकर के अब इनकम टैक्स विभाग जो है वो अपनी जांच को आगे बढ़ा रहा है। ज्वेलरी को लेकर कभी कोई डिटेल्स नहीं मिल पाई है कि कहां से आया है करोड़ों का सोना, ये जानकारी पता लगाने की कोशिश कर रही है आयकर विभाग की टीम। क्या किसी और की संलिप्तता इस मामले में हो सकती है? सूत्र क्या डिटेल दे रहे हैं और ये कार्रवाई हमें कल भी देखने को मिल सकती है क्या? निश्चित रूप से देखिए जिस तरह से ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है यह कहना अभी बहुत मुश्किल है कि कार्रवाई कब तक चलेगी, क्योंकि अभी देखिएगा आज चौथा दिन है कार्रवाई का और अभी भी कई ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। लगातार नई डिटेल जो है वो इनकम टैक्स विभाग को मिल रही है। वहां जो ऑफिसर्स हैं उनको हर दिन नई सूचनाएं मिल रही हैं और जो दस्तावेज वो खंगाल रहे हैं उससे एक से एक कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है। तो जाहिर है कि यह कार्रवाई अभी और भी आगे तक बढ़ सकती है क्योंकि अघोषित कारोबार का ये पूरा मामला है। क्या बता रहे हैं सोर्सेज आपके सोमू आनंद की, क्योंकि जयपुर में कार्रवाई चल रही है, क्या इन्होंने अपनी जो ब्रांचेज है वो अन्य अन्य किसी अन्य शहर में किसी राज्य में भी खोली हुई है, क्या वहां पर भी हम आयकर विभाग की कार्रवाई देख सकते हैं इस मामले में? देखिए सिर्फ बिल्कुल देखिए सिर्फ जयपुर में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग ठिकानों में जो जेकेजे ज्वेलर्स से जुड़े हुए ठिकाने हैं वहां पर कार्रवाई चल रही है। इसमें पश्चिम बंगाल और दिल्ली भी शामिल है। तो निश्चित रूप से कई दिनों से कई महीनों से ऐसा कह सकते हैं कि इनकम टैक्स विभाग के जो कर्मी हैं वो जेकेजे ज्वेलर्स पर अपनी नजर रखे हुए थे और क्योंकि इनके जो कामकाज की पूरी डिटेल है उसमें कुछ संदिग्ध पाया गया था और इसको लेकर के इनकम टैक्स विभाग पहले से सतर्क था और इसलिए जब यह कार्रवाई हुई है तो यह कार्रवाई इस रूप में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि 250 करोड़ से अधिक का मामला सामने आ चुका है,
100 किलो से अधिक जो सोना है उसका हिसाब नहीं मिल पा रहा है। तो ये पहले से इनकम टैक्स विभाग की इस पर नजर थी और अब उसे सफलता मिलती हुई इस मामले में दिखाई दे रही है। कब से ये कार्रवाई सोमू आनंद चल रही है और ये पूछताछ में क्या बता रहे हैं जो कारोबारी हैं, ये क्या बता रहे हैं पूछताछ में? देखिए, इन सभी से जो पूछताछ हो रही है, जो दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, उससे बहुत संतोषजनक जवाब जो है वो इनकम टैक्स विभाग को नहीं मिल पा रहा है। आज चौथा दिन है कार्रवाई का और इस बात की उम्मीद है कि ये कार्रवाई जो है वो आगे भी जारी रह सकती है। किसी तरह की कोई बरामदगी भी हुई है नकदी के अलावा? देखिए, नकदी बरामद हुई है और वो 3 करोड़ से अधिक रुपए की है और उसके अलावे जो दस्तावेज हैं वो जब्त किए जा रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने साथ लेकर के जाएगा, ऐसी सूचना है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सोमू तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। अपडेट भी आपसे लेंगे इस मामले में। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।